हेलो वीवर्स, मैं हूं फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफ से फूड पर। आज की हमारी एक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक की रेसिपी है, जिसे आप देखकर ही समझ सकते हैं। इस केक का नाम है रसमलाई केक। ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 कप पाउडर शुगर लेंगे मिक्सिंग बोल में, और फिर इसमें हम डालेंगे तेल। अगर आप बटर यूज़ करते हैं और जब फेंटते हैं तो इसमें थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल किए हैं इसके लिए क्रीमी टेक्सचर नहीं होगा, थोड़ा सा इसे ग्रैनुलर दिखेगा। तो इसे फिर भी लेकिन 2 से 3 मिनट के लिए विस्क कर लेंगे। विस्क करने के बाद में अब इसमें हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे। ड्राई इन्ग्रीडियंट्स में सबसे पहले डालेंगे मैदा। मैदा के बाद यहाँ पे बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे लेवल्ड स्पून, फिर बेकिंग सोडा और 1 चुटकी जितना नमक। अब इसे अच्छी तरह से सीव कर लेंगे। कोई ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं तो उसे स्मूथ कर देंगे चम्मच से और उसे भी छन देंगे। अब यहाँ पे स्पैचुला से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। ये अभी थोड़ा मिक्स नहीं हो रहा है तो आप इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ पे हम और तेल और दूध डालेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से और स्मूथ बैटर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तेल ऐड कर दिया है। टोटल इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप तेल यूज़ किया है। अब स्पैचुला से दोबारा से इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इवन मिक्सिंग और स्मूथ बैटर के लिए डालना है दूध, तो दूध यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। और दूध का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ना ही तो गर्म और ना ही तो फ्रिज से निकला हुआ। अब इसे बिल्कुल स्मूथली फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे हमें लम्प फ्री स्मूथ बैटर रेडी करना है। हमारा बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने बचा हुआ दूध भी डाल दिया है। एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। फोल्ड करके कट करना है बैटर को, इस तरह से इसे हमें फोल्ड करना है। हमारा बैटर रेडी है केक टिन में जाने के लिए। केक टिन को मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है और अब इसमें मैं सारा अपना बैटर फोल्ड करूंगी। बैटर टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद में इसमें एयर ना रहे, इसीलिए हमें इसे यहाँ पे टैप करना है। अब हम यहाँ पे नो ओवन बेकिंग कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने 5 मिनट कुकर को प्रीहीट कर लिया था। अब इसे मैं स्लो फ्लेम पे बेक करूँगी 35 से 40 मिनट के लिए, और आप चाहें तो टूथपिक से चेक करके देख सकते हैं। हमारा केक बनकर रेडी है और इसे मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है, 2 लेयर्स में। यहाँ पे जो रसमलाई का दूध होता है उसे मैं यहाँ पे शुगर सिरप की जगह पे यूज़ करूँगी, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे शुगर सिरप इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लेवर जब हम खाएं तब इसमें आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने रसमलाई के थोड़े चंक्स कट करके डाल दिए हैं। और जो ये विप क्रीम है, इसमें भी मैंने इसे विप करने के टाइम पे रसमलाई का जो मिल्क होता है वो डाला था, ताकि इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर आ सके। थोड़े से पिस्ताचियोज यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे, और फिर हमारा जो दूसरा लेयर है केक का उसे इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। अब दूसरे लेयर के लिए भी सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। आप अगर चाहें तो मैं दूसरे लिंक अपडेट कर दूंगी यहाँ पे, दूसरे वेनिला बेस की, वो भी फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ केक बैटर रेडी करने के टाइम पे वहाँ पे आप जो रसमलाई का दूध होता है वो डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, वेनिला एसेंस की जगह पे। अब यहाँ पे दोबारा से हम क्रीम डाल देंगे। अब यहाँ पे क्रीम हमें बहुत ज़्यादा डालनी है, ताकि हम केक को अच्छी तरह से कवर कर सकें, और जो एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो स्क्रेपिंग के टाइम पे, लेवलिंग के टाइम पे निकल सकती है। यहाँ पे साइड में भी अच्छी तरह से क्रीम फैलाएंगे, और आप चाहें तो यहाँ पे नाइफ, पैलेट नाइफ होती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का एक स्क्रेपर आता है आपको वो नॉर्मल शॉप में मिल जाएगा, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए। तो पैलेट नाइफ के अलावा मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे स्क्रेपर से इसे कैसे स्मूथ करते हैं। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा क्रीम दिख रही है इसे इवन आउट करना है इसकी मदद से, स्क्रेपर की मदद से ज़्यादा जल्दी ये स्मूथ हो जाता है, और इसका हमें जो शार्प एजेस भी मिल जाते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से इवन आउट कर लिया है।
अब जो बोर्ड पे क्रीम लगी है उसे एक बार वाइप कर लेंगे टिश्यू से। बोर्ड पोंछने के बाद में अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो एज दिख रहा है केक का वो अनइवन दिख रहा है, तो जिसके लिए मैं थोड़ा सा और क्रीम यहाँ पे स्प्रेड करूँगी और फिर जैसे इसे स्मूथ किया था स्क्रेपर से वो यूज़ करेंगे या फिर पैलेट नाइफ यूज़ करके इसे स्मूथ कर लेंगे। केक जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना ही ज़्यादा इसका डेकोरेशन अच्छा लगता है। स्मूथ करने के बाद में दोबारा से अगर जो क्रीम फैली हो उसे हम टिश्यू से वाइप कर देंगे। अपने केक्स में शार्प एजेस देने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रेपर का और पैलेट नाइफ का इस्तेमाल करती हूँ। स्क्रेपर से स्मूथ करेंगे और उसे एक बार पैलेट नाइफ पे वाइप कर लेंगे। तो इस तरह से स्मूथ एज आ चुका है। अब यहाँ पे स्टार टिप यूज़ करते हुए मैंने ये डिज़ाइन बना ली है केक के लोअर साइड में। बस थोड़ा सा यहाँ से क्रीम निकालेंगे और उसको थोड़ा सा पुल कर देंगे आगे, तो हमें ये डिज़ाइन मिल जाएगी। यहाँ पे पूरे डेकोरेशन के लिए मैंने स्टार टिप का ही इस्तेमाल किया है। इस तरह से नीचे की डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब टॉप पर हम यहाँ पे बनाएंगे रोजेट्स। तो यहाँ पे पूरी जो सर्कमफ्रेंस है केक का, केक की सारी सराउंडिंग पे मैंने रोजेट्स ही बनाए हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम डेकोरेशन के लिए पिस्ता, ज़ाफ़रान यानी कि सैफ्रन के स्ट्रैंड्स और रसमलाई के बॉल्स यूज़ करेंगे। और हमारी रसमलाई बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि कितनी डिलीशियस दिख रही है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट्स में भी बताएं। ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।